Hello everyone, in today's video I'm going to show you this beautiful look. This is a monotone pink makeup tutorial using just one product. For your lips, cheeks and eyes, you just need this one product. So this is the Sugar Cosmetics Air Kiss Powder Lipstick. This is a new launch from Sugar. This is their recent launch and I have got this in the shade 03 Caramel Souffle. Guys, I purchased this lipstick only for this shade. This shade had my heart, so I purchased this lipstick. Just look at the shade, you guys. I love these kinds of nudes. And आपको ऐसे कुछ packaging में मिलती है lipstick आपकी ऐसे दिखती है, तो आप देख सकते हो ये frosted glass tube है या frosted plastic tube है. इसके अंदर आपको powder देखने को मिलता है और ये powder जब आप एप्लीकेटर से पिक करते हो, अगर आप टैप करते हो ना ऐसे कैप को, तो आपको पाउडर आपके हैंड पे डिपॉजिट होगा. बट इसको जब आप रब करते हो तो ये क्रीम में बदल जाएगा या आपके लिपस्टिक फॉर्मूला में बदल जाएगा. तो अभी मैं इसको स्वॉच भी करती हूँ. जो एप्लीकेटर पे पाउडर था वो रब होके ऐसे कुछ लिपस्टिक के फॉर्म में बदल गया है. एंड लुक एट दिस शेड यू गाइस, आई लव दिस शेड सो मच. एंड इधर मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर जो प्रोडक्ट है वो है पाउडर. तो ऐसे आपको पाउडर मिलता है. सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एज अ ब्लश एंड ऑल्सो एज एन आई शेडो. इनके जो आई शेडोज़ भी है, जो नॉर्मली यू नो लिपस्टिक जैसे आते हैं वैसे आई शेडोज़ भी आ रहे हैं इनके लिक्विड आई शेडोज. बट आई थिंक दिस वुड मेक ए रियली ग्रेट आई शेडो और ब्लश की तरह भी, क्योंकि लिपस्टिक्स लॉन्ग लास्टिंग होती हैं. तो इस वजह से आपके जो आई शेडो है और ब्लश भी है वो भी लॉन्ग लास्टिंग ही होगी. एंड द मेन थिंग वॉज, इससे एक मोनोटोन मेकअप लुक क्रिएट करोगे ना, ओ माई गॉड, आई हैड दिस आइडिया एंड इट टर्न्ड आउट सो गॉर्जियस. आई लव दिस मेकअप लुक. तो फर्स्ट इसका जो पर्पस है वो लिपस्टिक है, इसलिए मैं आपको इधर अप्लाई करके बता रही हूँ ये लिपस्टिक. इट इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई दिस लिपस्टिक. जैसे आप नॉर्मल लिपस्टिक को लगाते हो वैसे ही अप्लाई कर सकते हो. एंड आई वुड से मॉइस्चराइज योर लिप्स, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, मैट रहेगा, तो मॉइस्चराइजिंग वुड बी ए ग्रेट थिंग यू कैन डू टू योर लिप्स. This has that powder feel. जैसे आप लगाते हो ना इसको, आपको लगेगा कि ये एक अलग टेक्स्चर है, ये एक अलग फॉर्मूला है. वो पाउडर का आई के नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, बट आप इसको फील कर सकते हो आपके लिप्स पे. एंड इसको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक बार ये जो सेट हो जाएगा ना, इट इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ. तो मैंने पाउडर को अपने हैंड पे ले लिया और इसको एज ए ब्लश लगाने के लिए मैंने एक ब्रश को पिक किया है. ये एक फ्लफी ब्रश है, तो इससे ब्लेंड कर रही थी मैं. थोड़ा बहुत मुश्किल था. आई वुड सजेस्ट गो फॉर ए फाउंडेशन ब्रश या ब्रश दैट इज़ मेंट फॉर अप्लाइंग क्रीम प्रोडक्ट्स. आई थिंक दैट वुड हेल्प. बट फिंगर से अगर इसको आप अप्लाई करते हो ना, आप इसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हो आपके स्किन पे और ये बहुत ही देर तक टिका रहेगा. यू गाइस, मैं ब्लशेस को यूज़ करती हूँ. ब्लशेस पहली चीज़ है जो फेड हो जाती है आपके मेकअप लुक में. तो ये अगर आप लगा लोगे ना, मैं जब मैं इसको लगाया था, आई कैन सी माई ब्लश एट द एंड ऑफ द डे. तो मैंने ये मेकअप लुक सुबह में क्रिएट किया, नाइट तक भी ये मेरे चीक्स पे था, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे ब्लशेस का प्यार चढ़ गया है, दीवानगी चढ़ गई है. तो मुझे ब्लशेस दिखनी चाहिए मेरे मेकअप लुक में. बट वो पाउडर ब्लशेस बहुत ही ईजिली फेड हो जाते हैं, बट इस ब्लश का ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं था. अभी सेम थिंग को मैं अपने आईज पे भी लगा रही हूँ. आई फर्स्ट ट्राइड दिस लिपस्टिक एज ऑन माई लिप्स, उसके बाद एज आई शेडो मैंने इसको ट्राई किया. ये इतना ब्यूटिफुली ब्लेंड हुआ ना मेरे आईज पे, आई स्वेर. अगर ये ना अलग अलग शेड्स में आते हैं, मोर लाइक यू नो जो आई शेडो के लिए मेंट होते हैं थोड़े बहुत कलर्स जो बहुत ही प्रिटी दिखते हैं, अगर वो शेड्स में ये अगर लॉन्च होते हैं ऐसे फॉर्मूला में, आई एम गोइंग टू बाय दिस. क्योंकि इसको लगाना इतना ईजी है और ये ब्लेंड ऐसे होते हैं ना, ओ माई गॉड,
cannot stress enough. The blend is so beautiful. बिल्कुल भी पैची नहीं लगता, बहुत ही खूबसूरत लगता है. ऐसे लगता है किसी प्रो मेकअप आर्टिस्ट ने ब्लेंड किया है आपके आई शेडो को या उन्होंने आपके आई मेकअप को किया है. इतनी ब्यूटिफुली ये ब्लेंड होता है. आप अपने फिंगर से भी कर सकते हो. जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना एज एन आई शेडो, तो मैंने फिंगर से ही ट्राई किया था. इधर मैं एक क्रीज ब्रश को यूज़ कर रही हूँ. आप देख सकते हो बीच बीच में मैं अपने फिंगर को भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आप अपने फिंगर से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो. ये ब्रशेस से भी काम करता है, बट द बेस्ट थिंग would be your fingers only. तो मैंने इसको ऐसे blend कर लिया और मैं जो फ्रंट के पार्ट है ना या बेस पार्ट क्रीज के या ट्रांजिशन के अलावा जो बेस पार्ट आईलिड पार्ट रहता है उसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ मैं. इसलिए मैंने उस लिपस्टिक को बाद में फिर से लगाया और उसको मैं थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ अपने फिंगर से ही. अगेन आई एम टेलिंग यू फिंगर्स आर दी बेस्ट विद दिस फॉर्मूला. इसके बाद देखना यू गाइस, इट इज़ सो गॉर्जियस. आई एम टेलिंग यू इतना प्यारा दिखता है. आई क्रिएटेड अ मेकअप लुक सॉफ्ट पिंक या न्यूड मेकअप लुक आई थिंक 2 years ago एंड यू गाइज लव्ड इट सो मच. उधर आई हैड द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग दी परफेक्ट लिप शेड फॉर द लुक. इधर तो उस लिपस्टिक से ही आप पूरा लुक कर सकते हो. ये एक इतना अच्छा मोनोटोन लुक बनता है. अभी मैं थोड़ा हाईलाइटिंग कर रही हूँ अपने इनर कॉर्नर्स को, क्योंकि मुझे पिंक के साथ यू नो इनर कॉर्नर्स हाईलाइटेड बहुत ही अच्छा दिखता है. आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट आई लुक अगर आपको सॉफ्ट पिंक न्यूड आई मेकअप करना है तो. एंड इधर आप देख सकते हो मैं सिर्फ मस्कारा लगा रही हूँ. आई एम नॉट इवन अप्लाइंग फॉल्सेस, सो यू कैन सी द आई शेडो एंड द ब्लेंड क्लियरली. तो इधर मैं एसेंस के मस्कारे को लगा रही हूँ. ये मस्कारा आपको इतने ब्यूटिफुली लैशेस देता है. अगर आपके लैशेस स्ट्रेट है, गो रन एंड बाई दिस मस्कारा. ये आपके लैशेस को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टैंड आउट करता है. अभी मैं डिसगाइज कॉस्मेटिक्स के न्यूड पेंसिल को लेके अपने वाटर लाइन में लगा रही हूँ. सॉफ्ट पिंक या न्यूड पिंक आई मेकअप लुक विथ न्यूड पेंसिल इज़ परफेक्ट. मैंने इस पेंसिल को फ्री में ख़रीदा है. इसका वीडियो मैंने रिसेंट से ही बनाया है. आई विल लिंक दैट वीडियो फॉर यू. नाउ यू कैन सी आई हैव किस्ड 2 times एंड देर इज़ नो ट्रांसफर ऑन माई हैंड एंड दिस इज़ द लुक. यू गाइज कैन यू सी, ये इतना अच्छा दिख रहा है मोनोटोन लुक. आई विश दे हैड अ सॉफ्ट कोरल शेड इन दिस लिपस्टिक रेंज. ओ माई गॉड, जस्ट थिंक अबाउट इट. The monotone look you can create with a peachy coral या light peach shade, it would look so good. आप इसको lip balm लगा के लगा दे हो ना, the most creamiest comfortable lipstick you can get is this one only. क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से लगता है lip balm के ऊपर. अभी मैं इसको set कर रही हूँ. इधर summer है मेरे, इधर बहुत ही गर्मी है, इसलिए मैं set कर रही हूँ. But as lipstick is supposed to be long lasting और lipstick का formulas हमेशा ही ऐसे होते हैं कि ये ज़्यादा देर तक टिकी रहे, इसलिए your blush and your eye makeup is not going anywhere. इसका pigmentation end of the day तक ऐसे ही रहता है या better than conventional eye shadows और blushes, क्योंकि वो powder रहते हैं या cream रहते हैं. This is something different, so this is going to last long and this is the look. You guys, I love this look so much. I will suggest you this lipstick. Go ahead and purchase this lipstick only in this shade. I will recommend this shade to you. And that's it for this video. You guys do try to recreate this look using this lipstick or any other lipstick and tag me. Aur video acha laga ho to please subscribe karke jana. I'll see you in my next video. Until then, take care, bye.